हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप भी चाहते हैं बिजली का बिल ऑनलाइन देखना तो आप बड़े ही आसानी से बिजली का बिल ऑनलाइन देख सकते होंगे। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से हों या किसी भी सिटी से हों, आप आसानी से बिजली का बिल ऑनलाइन देख सकते होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कितना आएगा। अगर आपका कोई भी बिजली का बिल निकालता हो, आपको कोई भी आपको डाउट रहता है ये कई किस हिसाब से ज़्यादा निकाल देता है या कोई भी दिक्कत आती हो, तो आप खुद अपना ऑनलाइन बिजली का बिल निकाल सकते होंगे, देख सकते होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है इसरार, आप देख रहे हैं टेक मिनी प्रोजेक्ट चैनल। चलिए दोस्तों, शुरू करते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मीटर की रीडिंग बता देते हैं। देखिए, जब आप बिल निकालेंगे आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। पहले आपके मीटर कितने किलो वाट का है और दूसरी चीज़ रीडिंग पता होना चाहिए। रीडिंग के लिए दोस्तों हम दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, जब आपकी रीडिंग पर ये आए KWH ये लिख के आए तो आपका ये रीडिंग है। आप इस तरीके से रीडिंग की आप अपना जो है बिल खुद निकाल सकते होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं, बिल निकालने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको ये चीज़ सर्च कर लेना है। देखिए, बिजली बिल कैलकुलेटर, आपको ये सर्च करके तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, www.bijlibachao.com। तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना हैगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना हैगा। अब आने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों ये पूरा कैलकुलेटर मिल गया है। आप किसी भी राज्य से हों, किसी भी सिटी से हों, आप आसानी से यहाँ पे अपना बिजली का बिल खुद निकाल सकते हैं, देख सकते होंगे आपके घर पे कितना लोड, कितने लोड पे कितने रुपए आते हैं, सब चीज़ इसमें दोस्तों लिख के आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिलेक्ट स्टेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट लगती हो आप यहां से चूज़ कर लेना। जैसे दोस्तों मेरी उत्तर प्रदेश का है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो यहां पे हम डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करते हैं। आपका जो भी सिटी लगता हो तो यहां पे आपको सिटी अपना चूज़ कर लेना है। चलिए हम यहां पे कानपुर चूज़ कर लेते हैं। अब दोस्तों आप सिलेक्ट कंपनी यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी आपके राज्य में कंपनियाँ होंगी, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे दक्षिण आंचल विद्या, यहाँ पे आपको ये कंपनी मिल रही है कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये मेरे यूपी में दो कंपनी हैं, यहाँ पे चलिए हम कानपुर की सिलेक्ट कर लेते होंगे। अब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए हम थोड़ा सा ये देखिए इंटर बिल यूनिट, यहाँ पे आपको यूनिट डाल देना आएगा। यूनिट चलिए हम यहाँ पर डाल देते होंगे और हम आपको सबसे पहले एक बिल दिखाते हैं आपके सामने। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये देखिए ये मेरा बिल आया था। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको अमाउंट दिखा देते हैं। ये देखिए 849 रुपये मेरा ये अमाउंट है और यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फिक्स चार्ज 220 रुपये है और एनर्जी चार्ज 588 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी 107 रेटिंग का ये जुड़ा है, तो हम यहाँ पर 107 रेटिंग डाल के देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए 107 रेटिंग डाल दी है। अब दूसरी चीज़ आपको ये समझना होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो लिख के आ रहा है सिलेक्ट फेस, ये मेरा सिंगल फेस है। अगर आपका जो है थ्री फेस हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे दोस्तों किलो वाट डालना होगा आपको। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चलिए हम यहाँ पर किलो वाट डाल देते हैं। आपका अगर एक किलो वाट हो तो एक डाल दीजिए, अगर आपका दो किलो वाट हो तो दोस्तों ये मेरा दो किलो वाट का है। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल कर लिया हैगा। ये देखिए यहाँ पे हमने स्टेट डाला है, ये डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे कंपनी, और यहाँ पे यूनिट डाल देना है, यहाँ पे सिंगल फेस या आपका थ्री फेस, यहाँ पे इंटर कनेक्शन लोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी कैप्चा फिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर दोस्तों क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा बिजली का बिल आ गया है। ये देखिए फिक्स चार्ज आपको जो दिखा रहा था, ये देखिए आप लाइव देख सकते हैं कि बिल्कुल ये 220 रुपये फिक्स चार्ज है। जो एनर्जी चार्ज है 589 है, तो एक दो रुपये का दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं ना, ये देखिए एक रुपये का है इसमें डिफरेंस। और मेरे जो
₹79 बिल आया है इसमें देखिए, और यहाँ पे ₹849 है। तो इसका भी दोस्तों कुछ नहीं ना, यहाँ पे ये आपको ये दिख रहा होगा ₹8 ये मेरे लेस हो गए थे, इसमें आप जो देख रहे होंगे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बिल पूरा सो दोस्तों बिल्कुल सेम है, आप इससे आप आसानी से अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो इतना मेरा ये बिल इसमें दिखा रहा है, इस बिल में हमको कुछ छूट मिली थी, यहाँ पे मेरा कुछ डिस्काउंट हुआ था, इस मारे ये ₹849 यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ₹879 हैं। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर देता है। एवरेज यूनिट कॉस्ट है आपकी ₹5.50। अगर आप भी किसी भी राज्य से होंगे तो आपकी भी कॉस्ट दिखा देगा, आपके यूनिट की कितनी कॉस्ट है, ये देखिए ₹5.50 है। और यहाँ पे आपको देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए सब चीज़ आप इसमें आसानी से देख सकते हैंगे दोस्तों। यहाँ पे आप जो है अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको ब्राउज़र पे डैशबोर्ड साइड लगा लेना है, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमें फिर से डालना होगा, कोई चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आप डाल के सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को अभी तक की आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना सब्सक्राइब। चाहते हैं इसी तरह की वीडियो देखना तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।